हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस और यमी चीज गार्लिक ब्रेड, जो कि बैचलर्स के लिए खास है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, तो ये बिल्कुल झटपट से बन जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। और इसके बाद ये लहसुन है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें बटर डालेंगे, तो बटर डाल के और बटर और लहसुन इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक, लगभग 2 से 3 पिंच डाल रही हूँ मैं नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे, तो इसे हमें ब्रेड के दोनों तरफ स्प्रेड करना है। तो पहले एक तरफ हम अच्छे से करेंगे और फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरे वाले ब्रेड में भी हम इसी तरह पहले ऊपर करेंगे, उसके बाद नीचे करेंगे, और ऐसे ही हम सारे ब्रेड में कर लेंगे। तो यहाँ पे तवा हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इस पे थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे, पूरे तवे में बटर को फैला देंगे हम। और अब यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके ब्रेड को उस पे सेकेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये ग्रेटेड चीज़ है, उसको डाल रही हूँ मैं, पूरे ब्रेड पे अच्छे से डालेंगे हम, और सारे ब्रेड में हमको इसे डाल देना है, ये देखिए। और इसके बाद इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा, और ये हो गया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ, तो इसे बीच में आप चेक ज़रूर करिएगा ताकि ये नीचे से जले ना और अच्छा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे ढक्कन हटा रही हूँ मैं, और ये चीज़ गार्लिक ब्रेड हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो ये रेडी है बिल्कुल सर्विंग के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ, बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनी है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते जाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।